हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास टेंथ लेवल टू ऑटोमोबाइल यूनिट थ्री व्हीकल सर्विसिंग में सेशन नंबर फाइव चेंजिंग ऑफ कूलेंट के बारे में पढ़ेंगे जैसा आप सभी लोग जानते हैं कूलेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कूलिंग सिस्टम में कूलेंट का काम क्या है ये इंजन को जो ओवर हीटिंग है ठीक है उससे बचाता है इंजन की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है उसको रिमूव करता है जो अतिरिक्त ऊष्मा है इंजन की उसे बाहर निकालता है और ताकि इंजन एक नियमित तापमान पर कार्य करता रहे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें अपना इंजन ऑयल या कूलेंट इंजन का चेंज करना चाहिए ठीक है कूलेंट का काम क्या है ये गाड़ी में इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है ताकि जो इंजन है वो अपना काम आसानी से करता रहे अब जो कूलेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे रेडिएटर को व्हीकल में जो रेडिएटर है उसे जंग मुक्त रखें क्रोजन फ्री रखें हमें कूलेंट को ऑलमोस्ट एवरी वन एंड हाफ़ और टू इयर्स, एक दो साल के भीतर चेंज करते रहना चाहिए वैसे जो गाड़ी की सर्विस मैनुअल होती है उसमें ये चीज़ बताई गई होती है उसमें बताया गया होता है कि कितने टाइम के बाद आपको कूलेंट को चेंज करना चाहिए जब भी हम किसी भी व्हीकल में कूलेंट को चेंज करते हैं उसके लिए हमें जो टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो क्या होती हैं कोई भी औजार और क्या सामग्री हमें लगती है तो जैसा आप जानते हैं हमें लगता है एक पैन जिसमें कि हम जो कूलेंट हम रिमूव करेंगे उसे कलेक्ट करेंगे सेकेंड कूलेंट जो हमें न्यू कूलेंट डालना है इंजन में तीसरा स्पैनर स्पेनर का यूज हमारा ड्रेन प्लग को ओपन करने के लिए होगा अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स क्या स्टेप्स रहेंगे जब भी आपको व्हीकल का कूलेंट चेंज करना है तो फर्स्ट स्टेप है परचेज द कूलेंट एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन तो जैसा वाहन के निर्माता ने स्पेसिफिकेशन दी है कूलेंट के लिए उस स्पेसिफिकेशन का कूलेंट हमें परचेज करना है सेकंड प्रिपेयर द व्हीकल हमें अपने वाहन को तैयार करना है कैसे कीप योर कार इन प्लेन स्पेस अपनी जो गाड़ी है उसे समतल जगह में रखें कीप इंजन ऑफ इंजन को बंद करें ताकि इंजन ठंडा हो सके और कूलेंट भी ठंडा हो सके थर्ड स्टेप क्या है कीप अ पेन बिलो रेडिएटर तो जैसा आप नीचे इमेज में भी देख रहे हैं ठीक है ये ग्रीन कलर का पेन रेडिएटर के नीचे रखा है तो रेडिएटर के नीचे ग्रीन कलर का पेन जो रखा है तो इस तरीके से आपको भी एक पेन रेडिएटर के नीचे रखना है ओपन द रेडिएटर कैप एंड सी लेवल ऑफ कूलेंट उसके बाद इंजन बोनट को खोल के आपको वहाँ पे जो रेडिएटर की कैप है उसको ओपन करके चेक करना है कि क्या कूलेंट का लेवल है उसके बाद ओपन दी ड्रेन प्लग नट बिलो रेडिएटर चैम्बर बाय यूजिंग रेंच और बाय हैंड इफ पॉसिबल अब आपको रेडिएटर के नीचे वाले चैम्बर में रेंच का यूज करके या हाथ से हो सके तो हाथ से जो ड्रेन प्लग नट होता है उसे रिमूव करना है ठीक है जी सिक्स स्टेप क्या है कूलेंट विल स्टार्ट कमिंग आउट एंड ऑल कूलेंट विल बी एम्प्टीड तो वहां से कूलेंट बाहर आना शुरू हो जाएगा और कूलेंट पूरा खाली हो जाएगा पुट बैक द ड्रेन प्लग एट द बॉटम ऑफ रेडिएटर उसके बाद आपको रेडिएटर से जो आपने ड्रेन प्लग बाहर निकाला था उसको आप फिर से उसको अपनी जगह पर वापस लगा देंगे वापस लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फिल द रेडिएटर टू द टॉप विद द कूलेंट जैसा आप इमेज में भी देख रहे हैं उसके बाद आपको अगेन कूलेंट डालना है ठीक है टर्न द इंजन ऑन कूलेंट को टॉप तक फिल करने के बाद इंजन को ऑन करना है लेट इट रन फॉर सेवरल मिनट्स टू गेट एनी एयर आउट ऑफ द सिस्टम उसके बाद कुछ देर तक उसको चलने दीजिए ताकि कोई भी अगर हवा हो वो सिस्टम से बाहर आ जाए वॉच द टेम्परेचर गेज टू मेक श्योर द कार डज नॉट ओवर हीट टेम्परेचर गेज को भी चेक कीजिए कि कहीं गाड़ी ओवर हीट तो नहीं हो रही है आफ्टर द रेडिएटर हैज़ बर्बड ऑफ़ द एयर बबल्स टर्न द कार ऑफ़ एंड केयरफुली फ़िल द रेडिएटर टू द टॉप विद द कूलेंट। उसके बाद दोबारा से आप गाड़ी को बंद करके रेडिएटर कैप को खोलिए और फिर से कूलेंट को टॉप तक फिल कर दीजिए क्लोज़ द रेडिएटर कैप टाइटली उसके बाद जो रेडिएटर कैप है उसको टाइट बंद कर दें वॉच द टेम्परेचर गेज केयरफुली फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और उसके बाद अगले कुछ दिनों तक आप टेम्परेचर गेज को चेक करते रहें कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है इंजन ओवर हीट तो नहीं हो रहा है तो ये स्टेप आपको ध्यान में देने हैं जब भी आप कूलेंट चेंज कर रहे हों तो इस चैप्टर में इतना ही थैंक यू